तो स्वागत है सभी का नए ब्लॉग में। और आज का दिन अब चालू तो हो चुका था, बट आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज वैसे रात को हो सकता है क्या हाइडलबर्ग जाएंगे, तो बस आगे दिखाते हैं। अभी तो एमएल की क्लास है। और ये बनाया थोड़ा राजमा चावल टाइप का, थोड़ा सैलेड और सूप, थोड़ा शोर है पर आगे शांति में बात करेंगे। और मौसम इतना क्लियर हो रहा है ना आज, तो एकदम मस्त धूप निकली हुई है और बढ़िया मौसम। और ज़्यादा ठंड भी नहीं है, मतलब एक पतली जैकेट में काम हो गया। तो बस अभी ML की एक्सरसाइज क्लास है, उसको ट्राई करते हैं और जाके बैठेंगे। और हाँ, ML के लेक्चर में एक छोटी सी एक्सरसाइज कराई थी, उसकी छोटी सी क्लिप है। और हाँ, एक दो क्लिप छोटी सी इसके आगे डालता हूँ, तो वो देखना। और यूनिवर्सल अडेप्टर भूल गया हूँ, कोई नहीं, फ़ोन में वैसे बैटरी कम है। अब क्लास वास करते हैं, वापस आएंगे फिर बात करते हैं। और जो वीडियो लगाई थी वो तो देख ही ली होगी, और मेन आज हाइडलबर्ग निकलेंगे तो तब बात करेंगे। और पर वापस आना पड़ गया ताकि वह अपना लोअर ले लें, क्योंकि क्लास के बाद कोशिश करूँगा कि वहीं से अगर जिम जा पाऊँ, और उसके बाद अपना अडेप्टर भी उठा लिया। तो बस अब चलते हैं और फिर आगे बात करेंगे। तो भाई अभी पीछे से सिर्फ 20-25 मिनट की एक्सरसाइज हो पाई आज, तो वो भी बस चलो चले गए, छू के तो आ गए जिम को। अब ज़रा रेस्ट करते हैं और क्या, और रेडी होना है, फिर आज हाइडलबर्ग दिखाएंगे। तो भाई अभी अपना बस देसी जुगाड़ कराए, करी थी और अंडा उबाल के डाल दिया, तो अब एक करी होगी, तो ये टॉटिला के साथ खाएंगे और निकलेंगे। तो भाई पीछे धूप बढ़िया चमक रही है और निकल तो चुके हैं। अब ज़रा डावनपोर्ट प्लस जाना है, क्योंकि वहाँ से अपने को बस मिलेगी, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन जाना है भाई, क्योंकि हमें हाइडलबर्ग जाना है। तो बस जाते हैं। और भाई मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है ना, जो प्यारी धूप निकली है, मज़ा आ गया, एकदम पतली जैकेट पहनो और निकल जाओ। बस आ ही गए, 2-3 मिनट में बस है अपनी। और भाई अभी ऐसी रफ्तार की स्पीड से भागने गया क्योंकि मैं आईडी कार्ड पहली बार आज मैंने बैग में रख दिया था बजाय कि पर्स में। तो जो भागा हूँ ना, 2 मिनट में वापस जाके मैं ले आया, और अब बस तो पकड़ ही लेंगे। तो बस में तो बैठ चुके हैं, और जैसा कि दिख ही रहा होगा कि बस चल भी रही है। तो अब ये अपना यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा चल रहा है, तो बस अब हॉप बॉन ऑफ पहुँच के बात करेंगे। तो भाई हॉप बॉन ऑफ तो आ चुके हैं, और यहाँ बस वगैरह भी खड़ी हुई है। और वैसे 8:30 बजे बोला था भाई कि सब लोग पहुँचना मिलने के लिए, लेकिन हमें बस जो कोर्ट से मिली थी वो अभी की मिली, तो वह हम अभी आ गए। और बस आगे चलते हैं और दिखाता हूँ थोड़ा आगे से। तो ये भाई ग्लाइस मतलब होता है प्लेटफॉर्म, और ये अपना हॉप बॉन ऑफ है भाई, मतलब रेलवे स्टेशन जिस पे अपन आए थे सामान ढोते हुए रात को, पर दूसरी तरफ से उतरे थे। शायद ये वाली साइड नहीं दिखाई होगी, बट हाँ ये पूरा हॉप बॉन ऑफ का एरिया है। और बस यही है, बाकी अंदर चलते हैं। ये भाई बाहर से दिखता है थोड़ी सी, मतलब ऊपर नीचे सड़क है, और ये भाई अंदर का एरिया। वैसे हॉप बॉन ऑफ अच्छे से सोच रहा हूँ, अच्छे से क्या ही, पर नॉर्मली किस दिन स्पेशली हॉप बॉन ऑफ दिखा दूँगा। अभी तो आगे हाइडलबर्ग दिखाएंगे। ये थोड़ा भाई अभी शाम का मंजर है, शांत सही। अभी वैसे मैं अंदर आ गया क्योंकि अभी आधा घंटा है, आधे घंटे बाद आएंगे लोग, तो भाई तब तक यहाँ सीट फीट मिल जाएगी तो बैठते हैं। थोड़ा सा सोचा भाई ट्रेन में दिखा देता हूँ आते जाते, तो ये तो अपनी ICE ट्रेन है जिससे हम लोग क्या, मैं ही आया था। बस लगता है इसी में दिखा दूंगा मैं सारा हॉप बॉन ऑफ, पर कोई नहीं आगे भी दिखाएंगे। और भाई क्या बढ़िया बादल दिख रहे हैं, मज़ा आ गया। और वो देखो बादलों के बीच एक प्लेन अभी निकलेगा, उम्मीद तो है कि निकलेगा। पीछे से ट्रेन आ गई, वो रहा और भाई क्या मौसम,
और सामान वाली गाड़ी में। और भाई यहाँ से घूम के ना पूरा ये लाइन दिख रही है, ये वहाँ चला गया दूसरी साइड। भाई एक मिस्टेक हो गई मुझे लगा, वैसे ग्रुप में लिखा था कि कुछ बच्चे बाद में आएंगे तो उनके लिए लिखा था कि हाँ 9:30 पहुँच जाओ, पर मुझे लगा कि वो उन बच्चों के लिए है। बाद में पता लगा कि भाई एक दो मैसेज में लिखा है कि फाइनल टाइम ही 9:30 बजे। तो कोई नहीं, हम तो भाई यहाँ थोड़ा गलियों में घूम के और लिडिल जाते हैं, कुछ खाने पीने का सामान देखते हैं और उसी में टाइम पास हो जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर ही है, मतलब 800-900 मीटर, तो बस वहीं जा रहे हैं। और 9:30 तक थोड़ा, 9 तो बज ही गए, 9:30 तक टाइम पास करते हैं। भाई रास्ते में बढ़िया बढ़िया लाइट्स लगी हुई हैं, अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया मौसम और मस्त हवाएं। ये देखो भाई यहाँ रास्ते में थोड़े अच्छी अच्छी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है, बाकी रास्ता तो खाली है, बढ़िया। तो जस्ट अभी यहाँ पे लिडिल स्टोर है, यहाँ पे थोड़ा लेमोनेड वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह उठाने आए हैं और बस। बाकी तो वैसे इस रास्ते से पहली बार आया, अच्छा एकदम शांत रास्ता है। ये वाले लिडिल तो मैं पहली बार ही आया हूँ तो अच्छा है। तो भाई ट्रेन में तो बैठ गए हैं और अब हाइडलबर्ग जाके बात करेंगे। तो भाई मैनहाइम पहुँच चुके हैं अभी और ये लाइट है और ब्रिज दिख रहा है तो उससे आइडिया लगी जाता है कि मैनहाइम आ ही गए। तो भाई हाइडलबर्ग तो पहुंच चुके हैं अभी सारे ग्रुप में, अब बस यहाँ से 15-20 मिनट वॉक करनी है जहाँ पे पार्टी की डेस्टिनेशन है, तो बस वहीं जाते हैं। तो भाई ज़रा एक स्टॉप आगे उतर गया हूँ, एक दोस्त को ढूंढने गया था लेकिन बाकी लोग तो उतर गए लेकिन मैं एक स्टॉप आगे उतर गया। तो ये विर्सलॉक में हूँ और अब यहाँ पे कितने 15 मिनट बाद अगली ट्रेन आनी है किर्शाइम की हाइडलबर्ग। एक्चुअली जो किर्शाइम हाइडलबर्ग वाली ट्रेन है वो हाइडलबर्ग जो मेन स्टेशन है उससे भी एक स्टॉप आगे एक सेक्लूडेड स्टेशन है, तो बस वहाँ जाना है। तो अभी 10 मिनट में उसकी ट्रेन पकड़ते हैं, 15 मिनट में। तो भाई फाइनली किर्शाइम रोडबाग आ चुके हैं और यहाँ पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं स्टेशन है, और यहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर की वॉक है। एक तो भाई गलत स्टेशन पे उतर गया, बाकी लोग खैर वहीं हैं, 10-15 मिनट लगेगा और वहाँ फिर पहुँच के दिखाता हूँ। ये आगे का नज़ारा थोड़ा शांत सही है क्योंकि यहाँ से 1.25 किलोमीटर के बाद फिर लोगों की पार्टी है तो वहाँ होगी क्राउड, पर यहाँ तो अभी बीच गलियों में थोड़ा खाली खाली सा ही एरिया है। अभी एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि सब लाइन में लगे हुए हैं तो अभी 15-20 मिनट लगेंगे लेकिन तब भी शायद लाइन में ही लगे रहेंगे तो जगह तो रुक जाएगी। और पीछे तो भाई अभी पूरा एकदम खाली एरिया है क्योंकि सारे लोग वहाँ पार्टी की लाइन में लगे हुए हैं। और यहाँ रास्ते में थोड़ी मेटल वर्कशॉप कहेंगे या फैक्ट्री कहेंगे, ऐसे फैक्ट्री टाइप की पड़ रही है और ज़्यादा नहीं 200-250 मीटर ही लगा है, तो चलते हैं आगे। और भाई ऐसा लगता है पार्टी की जगह पर पहुँच गए क्योंकि म्यूज़िक तो सुनाई दे ही रहा है पर लंबी लंबी लाइनें भी दिख रही हैं। ये रहे लोग खड़े हुए सारे और इसी के अंदर ही होगी, यहाँ पे जो लंबी सी लाइन लगी है इसी के अंदर होगी भाई पार्टी भी। तो भाई फाइनली लाइन में लग चुके हैं और यहाँ पे लोग सारे लाइन में लगे हुए हैं, अपना भृगु भाई भी लाइन में लगा हुआ है, भृगु भाई का डेब्यू है, भृगु भाई का व्लॉग। तो भाई चेकिंग हो रही है अभी यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे एसएम का स्टैंप लग चुका है और अपना आईडी कार्ड दिखा दिया था, बस अब आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली यहाँ पे वार्डरोब के लिए 1 यूरो रखना था बट अपनी तो पतली जैकेट है तो बस यहाँ पे एंट्री हो चुकी है और यहाँ पे होनी है भाई पूरी पार्टी एसएम ये रही। यहाँ पे सारे लोग जमा हो रखे तो भाई अंदर आ चुके हैं यहाँ पे, ये yeah।
भाई पार्टी तो हो गई, अब बस वापस यहाँ हाइडलबर्ग स्टेशन पे आ गए हैं। और वैसे हाइडलबर्ग का थोड़ा साइड स्टेशन ही है, तो बस यहीं से ट्रेन पकड़नी है आधे पौने घंटे बाद, तो यहाँ वेट करेंगे और फिर लौट जाएंगे। यहाँ पे अभी स्टेशन तो वैसे पूरा खाली दिख रहा है और खाली है भी दिख क्या रहा है, तो बस यहाँ से लौटना है। वापस तो आ चुके हैं और सुबह ही हो गई आने में तो बस यहाँ का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और बाकी तो पता ही है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना, करने में ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं, तो कर ही दो भाई। चलो बाय बाय।